कंसोर्टियम ऑफ पीडीपीएल एवं सम्मान फाउंडेशन पाटलिपुत्र को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। हाजीपुर से चंद्रकांत पाठक के साथ राजू कुमार की रिपोर्ट। 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं के लेकर बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर कंसोर्टियम ऑफ पीडीपीएल एवं सम्मान फाउंडेशन पाटलिपुत्र को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार लगाई है। लिखित आवेदन में विभिन्न मांग इस प्रकार है। चालक सुबोध कुमार ठाकुर, सदर अस्पताल हाजीपुर, साथ ईएमटी अनिल कुमार राघोपुर, प्रदेश अध्यक्ष सोनू कुमार, प्रदेश सचिव अरविंद कुमार वर्मा को अभिलंब कार्य पर रखा जाए। उप श्रमायुक्त पटना प्रमंडल पटना के स्तर पर दिनांक 9 अगस्त 2019 को हुए त्रिपक्षीय समझौते का अभिलंब कार्यान्वयन किया जाए। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अंतर्गत सभी एम्बुलेंस कर्मियों को बोनस भुगतान किया जाए। सभी कर्मियों के भविष्य निधि का हिसाब अध्ययन किया जाए। जिस माह का पैसा अभी तक नहीं जमा किया गया है अभिलंब जमा किया जाए। ईंधन अन्य एवं मरम्मती के अभाव में जिन गाड़ियों का संचालन नहीं हो पा रहा है उस पर कार्यरत कर्मियों के वेतन से कोई कटौती नहीं किया जाए। एम्बुलेंस कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं 8 घंटे से अधिक कार्य लेने पर अधिकाल का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। दिक्कत है कि सदर अस्पताल हाजीपुर सुबोध कुमार ठाकुर ड्राइवर बहुत दिन से पीडीपीएल सम्मान फाउंडेशन और एसीओ महोदय द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि कार्य बाधित है। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि उनको कार्य पर रखा जाए। राघोपुर ईएमटी अनिल कुमार बहुत दिन से भी बैठे हुए हैं, उनको भी कार्य पर रखा जाए। दूसरी नंबर बात कि गाड़ी जो हम लोग को ऑफ रोड की स्थिति में जो मेरा कर्मचारी बैठा हुआ है उसको कार्य पर लिया जाए और उसका वेतन जो कटौती होकर मिलता है उसको नहीं कटना चाहिए। कौन कर्मचारी बैठे हुए हैं, किस चीज़ के लिए? जो कोई भी कर्मचारी गाड़ी ऑफ रोड की स्थिति में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनका वेतन जो काट के दिया जाता है वो नहीं करना चाहिए। आपके लिए ना बैठा हुआ कौन कर्मचारी अभी तक हटा दिया गया? बहुत सारे वैशाली जिले में अनिल कुमार ईएमटी और सुबोध कुमार चालक। किस कारण बस उनको हटाया गया था? कुछ कारण कुछ नहीं, आपसी विवाद थोड़ा बहुत अस्पताल में कर्मचारी के साथ जो भी हुआ, झूठे इंजम लगा के कंपनी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। और आगे आप लोग इस विषय में कैसी हुई? इस विषय में अगले बार भी इससे आगे भी हम ज्ञापन दिए हैं, यदि इस विषय पर सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 22 तारीख से काला बिल्ला लगा करके प्रदर्शन करेंगे और आगे हम लोग 7 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार, जिला अध्यक्ष।